हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपको भोपाल उत्सव मेला, और इसमें जो ख़ास बात इस बार आई है वो फ़िश एक्वेरियम है और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो मैं आज आपको सारे फिशेस दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मेले में और अभी हम जो है बीएचईएल वाले मेले में नहीं गए, अभी हम आए टीजी टेलर वाले मेले में। यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको सब बताऊंगी और आगे चल के आपको जो खतरनाक, थोड़ा सा बीएचईएल से थोड़ा सा अलग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई भी है। आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नया क्या है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के हिसाब से आई हूँ। यहाँ पे काम है, लेकिन डेंजरस लग रहे हैं। डेंजरस नहीं, यहाँ पे काम है, झूले भी। और एंट्री हुई है अभी, अभी तो देखना है अंदर जाके कि अभी किस तरह से और नए नए झूले आए, क्या यहाँ पर नया है जो बीएचईएल वाले मेले में नहीं था, तो वो हम सारा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो मेला है वो फोर्थ ऑफ फेब्रवरी तक चलने वाला है, और देखते हैं अब आपको आगे आगे हम बताते जाते हैं यहाँ पर क्या ख़ास आया है और क्या हमें यहाँ पर नया देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेले के अंदर एंट्री करते ही आपको स्टॉल दिखेगा, तो यहाँ पर जो है जितने भी सारे क्लेचर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पैर रुक गए क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे भी क्वालिटी वाइज भी क्लेचर्स थे, अच्छे थे, और सबका प्राइस जो था वो सबसे सेम था। 10 रुपये का यहाँ पर क्लेचर था, आप छोटा ले लें या बड़ा ले लें, सबका प्राइस एक था। और अगर आप रिटेल शॉप से लेंगे तो यहाँ पर 30, 40, 50 तक के यहाँ पर जो है इस टाइप के क्लेचर्स मिलते हैं। तो मुझे ये इस टाइप की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी मजबूत भी थी और इसमें बाल थोड़े खींचते भी नहीं है। तो मैंने यहाँ से कुछ यहाँ से क्लेचर्स भी लिए, कलर्स अच्छे थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, कुछ लोकल भी थे कमज़ोर वाले, तो आपको जैसे ही पसंद आए वो आप ले सकते हो। चलें जी, तो इस ये एक स्टॉल ऐसा था जहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट लग गए थे, हम उसमें चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सा लें कौन सा छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे कलरफुल और मजबूत से थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहे थे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो कड़े होते हैं ये कांच के थे और इसके प्राइस भी अच्छे थे, 50 रुपीज़ में एक पेयर था। ये हर माल 10 रुपये में ये क्लेचर्स थे। हालांकि हम लोग जो है यहाँ पर इसको सोच कर नहीं आए थे, हमेशा ऐसा होता है मेले में, आप जाते हैं सोचते कुछ और मिलता कुछ है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप अनएक्सपेक्टेड होती है, आपको पसंद आ जाती है। ये छोटे छोटे से जो टिक पिक टाइप छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज होती है, ये मैंने पसंद करी थी हेयर स्टाइल्स को बनाने के लिए, क्योंकि कुछ मैंने हेयर स्टाइल्स देखी थी इंस्टाग्राम पे तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई, तो ये मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर फाइनली मुझे मेले में जाकर मिली। इसके बाद ये स्टॉल पर एक नज़र हमने आपके लिए कैमरे से शूट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बच्चों के हिसाब से भी छोटे मोटे से जो क्लिप्स वगैरह होते हैं तो वो भी थे। और सबसे ख़ास जो चीज़ थी यहाँ पर जो फ़िश एक्वेरियम आया है वो हमने आपको घुमाना है। बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, जो लोग भोपाल नहीं आ पा रहे हैं तो उन लोगों को मेरी वीडियो देखकर सारी फ़िशेज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसका टिकट जो है 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो हम लोग सब काफ़ी सारे लोगों गए थे तो सब लोग गए थे, और हर तरह का यहाँ पर जितने भी काउंटर्स बने हुए थे फ़िश के लिए, मतलब जितने भी उसका हर तरह की जितनी भी टाइप्स की फ़िशेज़ आई थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ट्राई किया है कि आपको हर एक तरह की फ़िश को दिखाऊं। जो लोग नहीं आ पाते भोपाल या मेले में या दूर दराज या गांव टाइप एरिए में हैं, तो वो आप मेरी वीडियो से ये मेले में फ़िश एक्वेरियम जो है पूरा पूरा देख सकते हो। Thank you.
step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 तो मैंने आपको जो फ़िश टैंक आया उसमें हर वैरायटी की फ़िश दिखाने दिखा दी है। अब आप घर बैठकर मेरी वीडियो देखकर सारी फ़िशेस जो आई हैं फ़िश टैंक के अंदर उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम निकले बाहर, और बाहर ये जो कुछ स्टॉल्स थे मेलों में, तो ये क्रॉकरी वगैरह का आइटम जो है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आता है। तो यहाँ पर इस बार भी बहुत सारी ये जो इस टाइप से फाइबर में और चीनी में यहाँ पर क्रॉकरी आई हुई थी, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे ट्रे वगैरह के। तो मैंने कुछ यहाँ से ट्रे या और छोटी छोटी सी चीज़ें, और यहाँ पर जो है डेकोरेशन का आइटम भी अच्छा खासा आया था। और यहाँ पर ये ट्रेन ज़बरदस्त आई थी, थोड़ा सा जंप करते हुए जा रही थी, तो मैं इसमें बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े लोग भी बैठ रहे थे। इस ट्रेन वाले झूले में बस हम दोनों ही बैठे हैं, अभी कोई भी नहीं बैठा। बच्चों, मुझे ये लग रहा है कोई बड़ा आएगा अभी कि नहीं आएगा। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मार्बल्स में ये जो है डेकोरेशन के आइटम्स थे, फाउंटेन्स थे, छोटे छोटे से टेबल्स थी, और ये इस टाइप से जो खल्लड़ थे, और ये हमारे भोपाली पर्स थे। और यहाँ पर फाइबर की जो आजकल होटल्स में आप जाते हो तो छोटे छोटे से ये इस टाइप से जो बाउल्स होते हैं उसमें चटनी वगैरह सर्व करने के लिए यहाँ पर मिल रहे थे। अच्छे क्वालिटी भी अच्छी थी थोड़ा सा, और रेट भी ठीक ठाक थे। 100 रुपीज़ के 3 पीस ये लोग दे रहे थे। और ये ट्रे थी, और ये जो आप फाइबर में थी ये ट्रे सारी, और अलग अलग डिज़ाइंस की थी, काफ़ी सारे प्रिंट्स थे। तो इसमें भी हमें कुछ डिज़ाइंस पसंद आई थी, तो मैंने भी यहाँ से कुछ लिया था। इसके अलावा यहाँ पर बिरयानी को सर्व करने के लिए भी यहाँ पर एक बॉल था,
खुलासा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये अभी डिज़ाइन सब चूज कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस थी और इजी टू यूज़ है, मतलब ज़्यादा दिन तक भी नहीं चलता और जल्दी से ख़राब भी हो जाए और जल्दी से ज़्यादा लंबा भी ना चले, ऐसा हमें बर्तन चाहिए होता है। ये जो मैंने हाथ में उठाया था ये वाइट कलर में आप देख रहे हो, ये चीनी में था और बिरयानी वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ये जो था ये फाइबर में था ये सारी, तो ये 100 रुपीज़ के 3 पीसेस थे और कुछ कुछ पीस 100 के 4 भी थे। ठीक है, तो ये चटनी वटनी अचार सर्व करने के लिए डिनर पे टेबल पर अच्छा लगता है। तो ये एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी दुकान का, जो शॉप थी वो फाइबर और चीनी की क्रॉकरी के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप मेले में आप ज़रूर जाएं, बहुत अच्छी वैरायटी अच्छी आई है। कम से कम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेट्स अच्छे हैं तो इसे वैरायटी हमें अच्छी ना मिले, तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज भी सामान अच्छा है, आपको लगेगा नहीं कि आपने किसी मेले में से लिया है, बल्कि आपको एक अच्छी शॉप का ये चीज़ें लगेंगी। तो ये इस तरह से भरी हुई पूरी शॉप्स थी, और सबसे ज़्यादा मुझे तो इनकी दुकान पर जो है सिर्फ ट्रे नज़र आ रही थी, कि ज़्यादातर इनके पास ट्रे बॉल्स और छोटी छोटी कटोरियाँ थी, प्लेट्स थी। ये यहाँ पर मोबाइल कवर थे, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, इस टाइप से यहाँ पर कवर्स थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लॉथ्स थे, कपड़े, कुर्तीज़ और जीन्स वगैरह, और थोड़ा सा उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ गटागट टाइप जो चीज़ होती है हाजमे की, या फिर आप मीठा पान कह दो आप, या ड्राई पान जो आजकल चल रहा है, चिप्स वगैरह जो हैंडमेड जो लोग जो घरेलू उद्योग होते हैं उस टाइप की ये चीज़ें थी। विंटर्स है तो यहाँ पर गर्म कपड़े और टोपे वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए हुए थे, और ये जो बच्चों की टॉयज़ वगैरह ये तो भरमार आई हुई थी। सबसे ज़्यादा मेले में बैंगल्स होती है, और इस टाइप के दुपट्टे भी थे, कश्मीरी सूट्स भी थे, उसमें शॉल्स थी, कभी कभी आइटम बहुत अच्छा मिलता है। ये चूरन की दुकान है, अगर आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है मेले में तो आप इसको पचाने का आइटम भी यही मिल जाएगा आपको। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर निशाना लगाने का यहाँ पर था, मैंने भी लगाया था कि एक बॉल से मुझे 6 ग्लास गिराने थे, तो मेरा बस एक ग्लास रह गया था, वो मैं नहीं गिरा पाई थी। और 10 रुपीज़ में आप यहाँ पर पाइनएप्पल जूस पी सकते हो, हालाँकि ये ज़्यादा प्योर नहीं था क्योंकि अंकल ने जो है कुछ ना कुछ इसमें कंजूसी कर दी थी, तो थोड़ा सा पानी जैसा टेस्ट आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर पिज़्ज़ा हट्स है, और यहाँ पर पटेटो रोल जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया, और सोया चाप। बाकी ये जो है कलरफुल लाइटिंग की हुई थी, और यहाँ पर दाल बाफले का भी एक स्टॉल था, तो यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में कि आपके बाफलों से एक ही बाफले से आपका पेट भर जाए। और यहाँ पर जो है वेफर्स खिला रहे थे, इसमें जो स्टीम निकलती है मुंह में से, तो यहाँ पर कबीर ने और नोमान ने ट्राई किया था। Thank you.
लड़की देखो इन लोगों यहाँ आके भी चैन नहीं है, मोबाइल में अपना अपना काम में लगे हैं, एक यूट्यूब में काम कर रहा है सब, कोई कुछ कर रहा है। तो ये लास्ट क्लिप आपने देखी कि हम यहाँ पर किसी उबटने में जा रहे थे और नेक्स्ट डे नौफी का मतलब कबीर का बर्थडे था तो हमने वो सेलिब्रेट किया, बाहर जाकर डिनर किया, इसके बाद हम एक शादी में गए। और तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पर गुलाब जामुन लेने के लिए क्योंकि कबीर बोल रहा था कि गुलाब जामुन लेना है, इसलिए ये यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेश आती है गुलाब जामुन मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अभी गुलाब जामुन थोड़ी सी गर्म हो रही है, इसके बाद हम लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छी फेमस और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे टेस्टी भी है, आप भी आए तो आप ज़रूर लें यहाँ से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।